नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एस पी एन नई न्यूज ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके बारे में आज खुलकर बातचीत करेंगे कि कैसे जब कांग्रेस में थे तो कैसे उनका जो है उनके उनका कदर नहीं किया जा रहा था लेकिन आज बीजेपी में है तो कैसे उनका जो है कदर किया जा रहा है और कैसे लगातार औहदे पे अहदे दिया जा रहा है जी हाँ बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो उस वक्त मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी वो बार बार कह रहे थे कि मुझे वो पद दिया जाए जिसके लिए हम काबिल हैं मुझे वो अहदा दिया जाए जिसके लिए हम लायक हैं लेकिन दिग्विजय साहब कमलनाथ साहब और राहुल गांधी यूँ कहें कि कांग्रेस के तमाम हाईकमान जो हैं वो उनको नजरअंदाज करते रहे इग्नोर करते रहे लेकिन क्या हुआ आपको पता है दरअसल ये हुआ कि वो कई विधायकों के साथ भगावती तौर अपना लिया। उसके बाद जो है सरकार गिरा दी रात और आज देखिए बीजेपी में बीजेपी की सरकार बन गई बीजेपी में पहले जो है उनकी बात हो रही थी कि शायद मंत्री पद का जो है जिम्मेदारी दी जाएगी लेकिन पहले जो है सिर्फ राज्यसभा भेजा गया उसके बाद पता है आपको क्या हुआ उसका फिर मोदी की कैबिनेट बनी जिस वक़्त जो है आपने देखा होगा कई मंत्रियों का जो है डिमोशन हुआ और कई मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ जिसमें से एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसके बाद मोदी मंत्री मंडल में जो है जगह मिली फिर उसमें उद्यन मंत्री बन गए और उसके बाद लगातार उनके उद्धा बढ़ते रहे इसे साफ जाहिर हो गया कि जो उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती रही वो जिम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें नहीं दे पाए और इसीलिए जो है आज कांग्रेस का बद से बदतर हाल मध्य प्रदेश में होता जा रहा है क्योंकि उन्हें ना तो नेताओं का कदर है ना उन्हें पता नहीं है कि किसके जाने से कितना बड़ा लॉस हो सकता है यही वजह है कि दिन ब दिन आज बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया तरक्की करते जा रहे हैं जनता का हो ना हो उनका जरूर तरक्की हो रहा है और यही इसी वजह से आज ये अफसोस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस उन्हें जिम्मेदारी दे देती अगर कांग्रेस उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता चलिए आज के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेना न्यूज़ नमस्कार